हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली अपडेट आ रही है काम भारी की तरफ से। तो दोस्तों काम भारी का एक न्यू ट्रैक आया है जिसका नाम है ये रास्ता फीचरिंग काम भारी, और ये जो ट्रैक है वो NBA प्लेयर्स के लिए है, और उनकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज है उसी के बारे में बात करी है सॉन्ग में काम भारी ने। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके सुन सकते हो। तो अगली अपडेट आ रही है रॉप्सी की तरफ से। तो दोस्तों रॉप्सी का एक न्यू ट्रैक आने वाला है बहुत जल्द, उसका उन्होंने पोस्टर आउट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो आप लोग की स्क्रीन पर, और यह है डोप 187 के साथ में। ओल्ड स्कूल टाइप का ट्रैक होने वाला है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वेट कर सकते हो। जब भी इसकी रिलीजिंग डेट पता चलेगी मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। तो अगली अपडेट आ रही है फरहान खान और ग्रेविटी की तरफ से। तो दोस्तों इन दोनों की कंबाइन EP आने वाली थी जिसका नेम था C4 चप्पा चप्पा चरखा चले, और उसका पोस्टर आउट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये आउट होने वाली है 15 दिसंबर को, संडे को। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वेट कर सकते हो, और मैं वेट कर रहा हूँ इस EP का। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग EP लग रही है, जिस हिसाब से नेम है अगर उस हिसाब से ट्रैक्स हुआ तो मज़ा आ जाएगा। तो अगली अपडेट आ रही है हरजस की तरफ से। तो दोस्तों हरजस का जो ट्रैक आने वाला था पहला प्यार, उसका टीज़र आउट हो चुका है कलमकार से। तो अगर आप लोग को देखना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और 13 दिसंबर को इसका म्यूजिक वीडियो भी आउट होगा, तो उसका रिव्यू मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अगली अपडेट आ रही है 47 की तरफ से। तो दोस्तों 47 का एक रिप्लाई आया है रॉप्सी के लिए, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, आई डोंट मेक डिस ट्रैक्स, आई मेक म्यूजिक फॉर माई पीपल एंड नोबडी एल्स, हैशटैग बोलो स्वाहा। तो 47 की ये स्टोरी डालने के रीज़न थे रॉप्सी, क्योंकि रॉप्सी ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी यू कॉल दैट डिस ? तो उसी चीज़ का उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो 47 ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने ये कोई डिस्ट्रैक नहीं निकाला था रॉप्सी के लिए, बस एक सॉन्ग था जो कि उनकी पब्लिक के लिए था, जो कि उन्होंने आउट कर दिया है, और अब डायरेक्ट उनका न्यू सॉन्ग देखने को मिलेगा नए साल में। तो वेट करते हैं उनके न्यू ट्रैक का। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने रॉप्सी की अपडेट दी, तो वो जो पोस्टर आउट किया था रॉप्सी ने उनके इंस्टाग्राम पे, तो उसके कमेंट बॉक्स में एक बंदे ने उनसे पूछा ब्रो अब रिप्लाई नहीं होगा डिस का? तो रॉप्सी का उस चीज़ पर रिप्लाई था अभी नहीं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि रॉप्सी हाल फिलहाल में अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालेंगे 47 के लिए, आएगा ज़रूर पर अभी नहीं। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है रणवीर पाजी और रफ्तार की तरफ से। तो दोस्तों रणवीर पाजी ने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखा था, तो उसमें एक बंदे ने उनसे पूछा रफ्तार भाई के साथ कोलैबोरेशन कब? तो रणवीर पाजी का उस चीज़ पर रिप्लाई था फ्री स्टाइल रैपिंग वीडियो बनाएंगे। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि रफ्तार और रणवीर पाजी का अभी कोई ट्रैक नहीं आने वाला है, पर फ्री स्टाइल वीडियो आ सकता है रफ्तार भाई के साथ में, और वो चीज़ आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कब तक आता है रफ्तार भाई के साथ में इनका फ्री स्टाइल वीडियो, जब भी आएगा अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। तो अगली अपडेट आ रही है मूफाड़ की तरफ से। तो दोस्तों मूफाड़ ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली उनके नेक्स्ट रिलीज से रिलेटेड, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट ट्रैक सून एज स्टूडियो रेनोवेशंस आर गोइंग ऑन, वो वांट्स अ स्टूडियो टूर वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। तो दोस्तों मूफाड़ का बहुत जल्दी एक न्यू ट्रैक तो आने वाला है, पर इसके अलावा उनका जो स्टूडियो है उसका वो टूर करने वाला है इंस्टाग्राम पे। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब पूछ रहे लोगों से, तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे उनकी ऑडियंस हाँ बोलेगी। तो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा स्टूडियो टूर, और उसके बारे में मैं अपडेट दे दूंगा। तो अगली अपडेट आ रही है रैप सॉन्ग्स की तरफ से। तो पहला गाना जो उसका नाम है खत बाय अक्षय द वन, और वैसे मैं इस गाने को बताने में थोड़ा लेट हूँ, पर फिर भी आप लोग ये गाना जाके सुन सकते हो, मुझे बहुत ही सही गाना लगा है। और इसके बाद से जो वीडियो है मतलब अलग लेवल का है, आप लोग देखोगे तो आप लोग को कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि अपन एक लेटर लिखते हैं उसी टाइप से एक पूरा गाना इन्होंने लिखा है लेटर के फॉर्म में। तो आप लोग जाके ये गाना ज़रूर सुनना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले मैंने आज तक ऐसा कोई सा गाना नहीं सुना था, फर्स्ट सॉन्ग है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए है कि नहीं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना इस गाने को सुनने के बाद। तो अगला गाना जो उसका नाम है MEWAY बंटाई से बातचीत फीचरिंग नितीश AKA Nick, और ये कंप्लीट सॉन्ग तो नहीं है, एक वर्स है सिर्फ। तो आप लोग ये जाके सुन सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। और आप लोग को लग रहा होगा MEWAY बंटाई से बातचीत मतलब ये क्या टाइटल हुआ, तो आप लोग खुद जाके देखो समझ जाओगे, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, कुछ कारण से वो टाइटल रखा है, और अगर वही कारण मैं आप लोग को बता दूंगा तो सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तो जाके आप लोग खुद सुनो, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे नीचे कमेंट्स में। तो अगला गाना जो उसका नाम है UK to Kathmandu, और यह है सरकार का ट्रैक, और ये कह सकते हैं कि इंडिया और नेपाल का कोलैबोरेशन है, और आप लोगों को समझ तो नहीं आने वाला, मुझे भी नहीं आया था शुरू का, आखिरी का वर्स हिंदी में, तो बेझिझक जाके सुनो। तो उसी एक वर्स से मैं पूरे गाने को जज करूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।